नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। युवा मोर्चा की बैठक में बोले कार्तिक चौहान, यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विधानसभा स्तरीय बैठक में सैकड़ों युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने संबोधित किया। युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे युवा भाजपा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा, यह चुनाव देश के भविष्य को तय करेगा। यहां बैठे प्रदेश कार्यकर्ता, जितने भी प्रत्येक कार्यकर्ता हैं, उसमें सामर्थ्य है कि वह नरेंद्र मोदी व शिवराज सिंह चौहान बन सकता है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार के लिए कार्य करती है। मैं भी यहां एक विचार के लिए वोट मांगने आया हूं। हम सबको मिलकर प्रत्येक बूथ स्तर तक पहुंचना है और अधिक से अधिक मतदान भाजपा के पक्ष में करवाना है। युवाओं को संबोधित करते हुए कार्तिकेय सिंह ने कहा, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मगर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। संबोधित करते हुए कहा, हम सबको मिलकर कार्य करना है। आप मुझसे जुड़कर भी मुझे मजबूत कर स्वयं भी मजबूत हूँ। युवा मोर्चा की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं युवा मोर्चा के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्तिक सिंह चौहान द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विधानसभा स्तरीय बैठक में सैकड़ों युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने संबोधित किया। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे युवा भाजपा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य को तय करेगा। यहां बैठे प्रत्येक कार्यकर्ता में सामर्थ्य है कि वह नरेंद्र मोदी व शिवराज सिंह चौहान बन सकता है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी एक विचार के लिए कार्य करती है। मैं भी यहां एक विचार के लिए वोट मांगने आया हूं। हम सबको मिलकर प्रत्येक बूथ स्तर तक पहुंचना है और अधिक से अधिक मतदान भाजपा के पक्ष में करवाना है। किस रूप में युवा नेता के रूप में किस रूप में चुनाव को देखते हैं, ये चुनाव हम किस रूप में जिताकर चलाते हुए यहां पहुंचे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये चुनाव हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है और ये चुनाव केवल एक व्यक्ति की के लिए नहीं है। ये चुनाव इस देश के भविष्य का है और अगर देश के भविष्य का सवाल है तो हमारी कोशिश कार्यकर्ता होने के नाते ये है कि इस भविष्य में योगदान विदिशा लोकसभा का प्रत्येक नागरिक करे और सकारात्मक योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार राज तिलक का, उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के प्रति वो सब योगदान करें और इसी को सुनिश्चित करने हम सब जा रहे हैं। कई योजनाओं का लाभ अभी भी कहीं ना कहीं जनता पीछे रह जाती है, पता नहीं पड़ पाता, तो क्या आप युवा मोर्चा के लिए बताएंगे जो जनता तक पहुंचे? युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ऊर्जावान होने के साथ साथ रचनात्मक भी होते हैं। कई अनूठे कार्यक्रमों के माध्यम से पहले भी हमारे यहाँ के युवा मोर्चा के भले, चाहे वो जिला का हमारा युवा मोर्चा का संगठन हो, चाहे मंडल का हो, उन्होंने पहले भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को पहुँचाया है। आने वाले समय में युवा मोर्चा शिक्षा रोजगार, इन दोनों विषयों से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, इसमें अनूठे कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में काम करेगा और उस काम में एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी योगदान करूंगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का चर्चित चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, आप युवा नेता के रूप में किस रूप में देखते हैं, कितने मार्जिन से उनको ये जीतना चाहिए? हम सब ने, कार्यकर्ताओं ने ये ठाना है कि अब की बार जितने भी हमारे बूथ हैं सभी बूथों पे 90% वोट शेयर का हमने लक्ष्य रखा है और पूरे हर एक विधानसभा कम से कम 1.25 लाख के अंतर से जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राज तिलक हो और यहाँ से हमारे प्रत्याशी को हम लोग चुनकर भेजें, ये हम सबकी कोशिश रहेगी। आप